नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिंदास बोल में। घपले घोटालों के आरोपों में पहले ही परेशान सरकार एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंस गई है। बड़े बड़े खुलासे कर दुनिया में सनसनी फैलाने वाले विकिलीक्स ने एक बार फिर से खुलासा किया है, जिससे भारत की सियासत में भूचाल आ गया है। विकिलीक्स ने खुलासा किया है कि 2008 में कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की थी। विकिलीक्स के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष में वोट डालने के लिए आरएलडी के 4 सांसदों को 10-10 करोड़ रुपए की घूस दी गई थी। हालांकि आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह के मुताबिक वो नकारते हैं इन सारे आरोपों को। खुद प्रधानमंत्री ने भी ऐसे आरोपों को गलत बताया है, लेकिन विपक्ष को विकिलीक्स के खुलासे में सच्चाई नजर आ रही है। विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है और सरकार से इस्तीफा मांग रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या विकिलीक्स ने जो खुलासा किया है उसमें कुछ सच्चाई है, या विपक्ष केवल अपनी सियासत चमकाने के लिए एक बड़ा मुद्दा ढूंढ रहा है। यह तो रही सियासत की बात, लेकिन अहम बात यह है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार बचाने के लिए सांसदों को खरीदा गया है? आपको बतानी होगी अपनी राय, इसलिए जरूरी है कि अपने तरह से आप सोचें कि यूपीए सरकार को दोबारा सत्ता तक अगर आपने पहुंचाया था तो क्या इस बार भी यूपीए सरकार आगे जाए। क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला आपको करना है। तो फिर खामोश मत रहिए और बोलिए बेबाक बिंदास। विकिलीक्स के नए खुलासे से एक बार फिर से बवंडर मच गया है। विकिलीक्स ने खुलासा किया है कि 2008 में सरकार को बचाने के लिए सांसदों को रिश्वत दी गई थी। इस खुलासे के बाद विपक्ष आग बबूला है। विपक्ष ने संसद में इतना हंगामा किया कि प्रधानमंत्री को सदन में सफाई देनी पड़ी, लेकिन पीएम ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तो रही सियासत की बात, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार बचाने के लिए ऐसा किया गया होगा? अगर आपके मन में कुछ है तो बोलिए बिंदास। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। विकिलीक्स का सनसनीखेज खुलासा। 2008 में सरकार बचाने के लिए दी घूस, कांग्रेस ने दिए सांसदों को करोड़ों रुपए। खुलासे से विपक्ष का चढ़ा पारा, संसद में हुआ जमकर हंगामा, पीएम ने दी सदन में सफाई, आरोपों को कर दिया सिरे से खारिज। घपले घोटालों से घिरी सरकार को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब विकिलीक्स के नए खुलासे से मानो सरकार के सिर पर बम ही गिर गया है। विकिलीक्स ने खुलासा किया है कि 2008 में सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए आरएलडी के 4 सांसदों को 10-10 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन सतीश शर्मा के करीबी नचिकेता कपूर ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को ये जानकारी दी थी। दरअसल भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर सहमति नहीं बन पाने पर वाम दलों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी। विकिलीक्स ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी में फूट डालने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्य को विश्वास में लेने की भी कोशिश की गई थी। विश्वास मत से ठीक पहले बीजेपी ने लोकसभा में लाखों रुपए से भरा बैग लाकर खूब हंगामा किया था और आरोप लगाया था कि वो रकम सांसदों को सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए दी गई थी। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में 275 वोट पड़े थे, विपक्ष को 256 वोट मिले थे, 10 सांसद गैर हाजिर रहे थे, 1 सांसद ने वोट नहीं डाला था। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद आरएलडी के सुप्रीमो अजीत सिंह ने विकिलीक्स के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 2008 में वोटिंग के दौरान उनकी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ वोटिंग की थी। विकिलीक्स के दावे कितने सही हैं, ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल इस खुलासे से सरकार की साख पर एक बार फिर बट्टा लगा है। गुरुवार को इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला। दोनों ही नेताओं ने सरकार से इस्तीफे की मांग कर डाली। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। अधिकार खो चुकी है और इस सरकार को एक क्षण भी
अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री को यह आना चाहिए और अपने इस्तीफे की घोषणा करनी चाहिए। This report that appeared today, these details of these exposures that have come today, these alleged exposures, constitute a humongous indictment in the way this government has been functioning. And this represents not only a gross degeneration of political morality, but it represents crass political opportunism in the manner in which this government survived. We would want that criminal investigations now to proceed. Secondly, sir, if the government feels that this is just a conspiracy, these are allegations that have been hurled on the government, we would want them to come and explain and clear themselves here. शुक्रवार को भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सफाई देने की मांग को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के दबाव में आखिरकार प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में हो हल्ला मचाने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और रिश्वत देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। That the opposition continues to raise old charges that have been debated, discussed, and rejected by the people of India. It is most surprising that speculative, unverified, and unverifiable communication should be given dignity and seized upon by the opposition party to revive old charges that have been soundly rejected. Madam, I wish to make it clear that no one from the Congress party or the government indulged in any unlawful act during the trust vote during July 2008. प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी विपक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ और जमकर हंगामा हुआ। जाहिर है विपक्ष के हाथ एक बार फिर सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। विकिलीक्स के खुलासे में कितना दम है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है? इस पूरे मामले में कुछ सच्चाइयां आपको नजर आती हैं या विपक्ष बेकार ही इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहा है? इस मुद्दे पर आपकी राय जरूरी है, क्योंकि जनता ने ही यूपीए सरकार को दोबारा सत्ता की चौखट तक पहुंचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। बिल्कुल, हम भी यही जानना चाहते हैं कि विकिलीक्स के खुलासे में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में सरकार ने ऐसा किया है या फिर जो विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है वही सही है। यही जानना चाहते हैं आपसे। हमारे साथ बिंदास पोल के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, महेंद्र जी हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेलो जी, महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये जितने हमारे 546 सांसद है ना जी, इनका सबकी एक बार एफिडेविट लेकिन की जांच की जाए, कोई भी सांसद हमारा है ना भारत के लिए सही नहीं है एक भी। बिल्कुल, हमारा दर्शकों से यही सवाल है कि विकिलीक्स ने जो खुलासे किए हैं, लगातार सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, सरकार के सामने कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं। आप जनता हैं, जनार्दन हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्हें आप भेजते हैं, प्रधानमंत्री आपके लिए बने हैं, लेकिन क्या सरकार वो काम कर रही है जो सरकार को जनता के लिए करना चाहिए? जिस तरीके से सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, विकिलीक्स ने खुलासा किया, सरकार की तरफ से पैसे दिए गए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खासकर साफ हो रही हैं सभी के सामने। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ राय है? दिखे हुए नंबर्स पर फोन करें, हमें बताएं तुरंत अपनी राय और बताएं क्या कुछ चीजें आप सोचते हैं। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। आप अपना फोन लगातार हमें लगाते रहें।